एनएन की वजह से प्रॉब्लम हो गया, तो यहाँ से एक एंगल बनाना पड़ेगा जिससे वो सैफ को डाउन कर सके। जो प्लेयर डाउन है फाइनली सिम्प की तरफ से उनको फिनिश ऑफ किया जाए। हमारे ऊपर आ चुका है और हमें अब डिफेंड करके खेलना पड़ेगा। बकरा वहाँ पे सिम्प को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास कोई प्लेयर आए इस बिल्डिंग से निकल के हम उसको डाउन करें, लेकिन चेली का ये नॉक तो उसके ऊपर पूरी की पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये वन साइडेड वहाँ पे टीम गॉडिंस के साथ लड़ रहे हैं। जोनाथन की तरफ से थोड़ा सा डैमेज यहाँ पे दिया जा चुका है, लेकिन पीछे आके फर्स्ट एड का इस्तेमाल कर पाएंगे क्या? नॉक डाउन दिखाई देंगे, फर्स्ट एड का इस्तेमाल राइट साइड में, चेली की एंट्री हो रही है, कुछ नहीं कह सकते कौन है। एंड ये देख लीजिए, फ्लॉक ने जोनाथन को डाउन कर दिया। अब रेमिनेंट को मिल चुका है मौका, शायद ये टीम बच पाए, शायद ये टीम सर्वाइव कर पाए, शायद ये टीम का एलिमिनेशन हो, पता नहीं चल रहा है। लेकिन फ्लॉक घुटनों पे, दूसरे प्लेयर डॉट एचपी सैप दिखाई दे सकते हैं, सिंप अब रुकेंगे नहीं। अब वो मौका मिल चुका है जिसकी तलाश यहां पे गॉडल कर रही थी, एंड पुश करते ही सैप को डाउन किया जा चुका है। एंड क्रैटोस भी फिनिश ऑफ, एक 1v4 सिंप की तरफ से टीम रेवेनेंट का देखने को मिला। एंड दो प्लेयर्स का एलिमिनेशन और अब 2v2 की बैटल ये दोनों टीम्स के बीच में हो सकती है, लेकिन अभी के लिए चलिए ओके। तेज के प्लेयर्स यहां पे पहुंचे, फिनिश ऑफ करना चाहते हैं, बेस्ट की बात करना चाहता हूं कंप्लीटली नहीं, किसी का हेलमेट है किसी का वेस्ट है पास आम के, तो आराम से इस टीम का एलिमिनेशन हमें देखने को मिल सकता है। जोनाथन बहुत करीब पहुंच गया, सबसे आगे यही है, लेफ्ट में से हाथों में शॉटगन से चला जाएगा जोनाथन, गंदू को डाउन कर दिया है। एंड आखिरी मिरेकल लिंक को डाउन किया जरूर, और देखते देखते टू प्लेयर्स डाउन करने की कोशिश, लेकिन सिंप ने फाइनली एक 1v3 का खूबसूरत क्लच एंड लास्ट आखिरी प्लेयर को एलिमिनेट करके किया है। और अभी बताना मेरे को, अभी बताना, अभी मैंने ठीक किया थोड़ा। चलिए गॉडल अब राइट साइड से आते दिखाई दे सकते, कहा था मैंने फाइट सिंह की हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन इस बार कुछ अलग देखने को मिला है। जयेश की तरफ से जोनाथन को फिनिश ऑफ किया जा चुका, और एक 3v3 का इक्वेशन दोनों टीम्स के बीच में, डॉट एच भी दिखाई दे सकते अमर एंड नॉक डाउन जयेश की तरफ से उनका भी। चलिए सिम की भी एचपी डाउन जरूर है, ये ग्रेनेड डिसाइड कर सकता है क्या होने वाला है, लेकिन वो सिम्प का वो नेड नॉक डाउन करेगा जयेश को, और पेन से फिनिश ऑफ करने की रणनीति क्या सही रहने वाली है? फिलहाल वक्त नहीं है गॉडल आपके पास, ये ग्रेनेड प्रीडेटर का वहां पे सिम्प को डाउन कर सकता है। जी गॉड की भी एचपी डाउन है, लेकिन जी गॉड ने वो काम किया जिसके लिए उनको यहां पे आना था। एंड फाइनली स्क्वाड क्रशर, एक आखिरी वो लास्ट प्लेयर, एक वो आखिरी उम्मीद बची हुई है, नीचे से आने की कोशिश जी गॉड की तरफ से की जा सकती है। चाकू का इस्तेमाल, एक प्लेयर डाउन एंड दूसरे प्लेयर को भी फिनिश ऑफ करके इस मैच से बाहर भेजा गया, और ये